प्रिंसिपल सर के पास ज्ञापन भी लेके गए थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को कोई वो नहीं किया, साइड में पटक दी। ये जो हमारी बहन बेटी है कॉलेज में पढ़ती है, उनके साथ आए दिन छेड़खानी। एक जी ने कहा है कि मैं 2 बजे प्रिंसिपल साहब को बुला के आपके समक्ष बैठाऊंगा, जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगा। सोहना की बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के अंदर एक समुदाय के छात्रों का एक गुट कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के पास अश्लील मैसेज भेजते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जब इस बात का विरोध किया जाता है तो उन छात्रों का गुट लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, जिसे लेकर कई बार इसकी शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल से की गई है, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के जानकार कॉलेज की दीवार कूद कर अंदर आ जाते हैं व कॉलेज में पढ़ने वाली इस समुदाय की लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तथा फोन पर अश्लील मैसेज भेजते हैं। जिस समस्या का समाधान करवाने के लिए कॉलेज छात्र विधायक के दरबार पहुंचे व समाधान करने की गुहार लगाई। विद्यार्थी परिषद जिला गुड़गांव से हूं जी। और हमारे काफी टाइम से कॉलेज को लेकर एक समस्या चल रही थी, जिसमें एक तो गेट को लेकर क्या नाम है, गेट नहीं खोलते प्रिंसिपल साहब। वो कहते हैं कि मेरा अपना रूल है, चाहे किसी को कितनी दिक्कत हो जाए मैं 2 बजे से पहले गेट ही नहीं खोलूंगा, चाहे कितना ही जरूरी हो। हमने खूब उनको एप्लीकेशन भी दे ली, पर वो मानते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उसको लेकर आज हम विधायक जी के पास आए हैं, विधायक जी के समक्ष हमने अपनी परेशानी रखी है। विधायक जी ने कहा है कि मैं 2 बजे प्रिंसिपल साहब को बुला के आपके समक्ष बैठाऊंगा, जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगा और जो बिल्कुल वाजिब होगा वो करूंगा मैं। उसके अलावा एक क्या नाम है, कॉलेज में क्या नाम है, कई बार मारपीट हो जाती है, उसके लिए पुलिस प्रशासन की, उसके लिए भी हमने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि साथ में एसएचओ साहब को भी बुला के और जो भी पीसीआर राइडर जैसी भी वहाँ की जरूरत होगी उसको भी पूरा करेंगे। बच्चे हैं कॉलेज के, वो आपस में ग्रुप बना के रखते हैं कि हम यहाँ के हैं, ये ही थोड़ा मैटर रहता है, इसके कारण ये झगड़े हो जाते हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र हूँ और एनवीजीएसएम कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो हमारे इसी कॉलेज में संगठन के लेके कुछ दल है, मतलब कि एक हमारा दल है एक विपक्षी है, उनसे आए दिन कोई ना कोई वैसा होती रहती है। जो हमारी बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ती है उनके साथ आए दिन छेड़खानी या वैसे मतलब कि कोई सांप्रदायिक तरीके से बोलना छात्रों के खिलाफ या कुछ भी है, ऐसी एक्टिविटी काफ़ी चलती है। विधायक जी ने बोला है कि प्रिंसिपल को बुलाएंगे 2:30 बजे और आप भी आ जाना, जो आपकी समस्या है उनका समाधान होगा। हम अगर आप अब ठीक हो तो हम आपके साथ खड़े हैं और ऐसे किसी के साथ ना गलत होने देंगे। हमारी जो लड़की है हिंदू की, उनपे मुसलमान लड़कों ने कुछ कमेंटबाजी करी और जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और हम एमक्यू के छात्र हैं सोना से, हम प्रिंसिपल सर के पास ज्ञापन भी लेके गए थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को कोई वो नहीं किया, साइड में पटक दी। और वो बोल रहे हैं कि हम ना तो गेट ओपन करेंगे, और एसएचओ साहब से हमारी बात हो गई है, एमएलए साहब से हो गई है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि किसी को ले आओ, ये मेरा रूल है, शिक्षा मंत्री मैं हूँ यहाँ का, मैं इस रूल को नहीं हटाऊंगा बेशक कुछ हो जाए, बेशक कोई बाहर का आउटसाइडर हो। और हमने बोला था कि एवीपी का मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया एवीपी के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ, हम आपको ना कोई रूम देंगे ना मीटिंग कर लेंगे ना कोई जगह दी जाएगी, जो करना बाहर के मुसलमान ग्रुप है, कॉलेज में ग्रुप बना के घूमते हैं, पीछे से गेट कूद के आ जाते हैं और गेट कूद के चले, कॉलेज की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है, और हमने बार बार एप्लीकेशन दे दी गई है पर हम पे कोई वो नहीं दिया गया। वहीं कॉलेज छात्रों के इस गंभीर विषय को लेकर विधायक कंवर संजय सिंह का कहना है कि कॉलेज छात्र कुछ समस्याओं को लेकर मिले थे जिनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। उनके बच्चों को लोकल स्कूल थे प्रिंसिपल से, वो प्रिंसिपल को मेरी फोन में बात हुई, उनके समस्या का समाधान कर दिया गया और किसी प्रकार कोई बात आएगी उनसे बात करके उसका भी समाधान कर दिया। कि सोहना के बाबा गुरुबचन सिंह निरंकार कॉलेज का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस कॉलेज से इस तरह की लड़ाई झगड़े के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अब की बार कॉलेज छात्रों ने जो एक समुदाय के छात्रों पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वह वास्तव में ही चौंकाने वाले हैं। ऐसे में जरूरत है कॉलेज प्रशासन को आवारा छात्रों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखाने की, ताकि कॉलेज के अन्य छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कॉलेज प्रबंधन कॉलेज का माहौल खराब करने वाले छात्रों पर किस तरह की कार्यवाही अमल में लाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।